हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हो रही हूँ। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट की वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड में जो एनसीईआरटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ है, और यूपी बोर्ड में जो एनसीईआरटी चल रही है उसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ठीक है, टैक्सी वाला किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए पर किलोमीटर जो चार्ज करता है वो तो करता ही है, उसके अलावा कुछ फिक्स चार्ज और करता है। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है, हमने क्या किया कि हमने सपोज कर लिया कि सपोज फिक्स चार्जेस एक्स, तो सपोज फिक्स्ड चार्ज को मैंने कंसीडर कर लिया एक्स, फिक्स चार्जेस इक्वल टू एक्स। अच्छा, और पर किलोमीटर के हिसाब से क्या चार्ज कर रहा है, पर किलोमीटर चार्ज जो हमने कंसीडर किया वो हमने कंसीडर कर लिया वाई। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर कहें 10 किलोमीटर डिस्टेंस जब वो स्टार्टिंग में ट्रेवल कर रहा है उसके लिए उसे 105 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। देखिए, अब 105 में क्या क्या चार्ज हैं, एक तो फिक्स चार्ज तो है ये, तो मैंने कहा एक्स, उसके अलावा उसने क्या किया 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की और 1 किलोमीटर का चार्ज है वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर का चार्जेस क्या हो गया 10y, तो हमने कहा 10y। अब देखिए 10 × y यानी 10 किलोमीटर का चार्जेस और फिक्स चार्जेस मिलके कितने हो गए 105, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगली बार उसने क्या किया 15 किलोमीटर ट्रेवल किया और उसके लिए उसने पे किए 155 रुपीज। देखिए, अगली बार में फिर उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा यानी एक्स, तो उसे पे करना ही पड़ेगा। अब की बार उसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, 1 किलोमीटर के चार्जेस क्या है वाई, तो 15 किलोमीटर के चार्जेस क्या हो गए 15y, तो ये हो गया 15y। अब टोटल चार्जेस उसके लगे 155। अब देखिए, मैं आपसे कहती हूं कि ये कहिए इक्वेशन नंबर 1, ये कहिए इक्वेशन नंबर 2। आपसे मेरा कहना रहता है कि जिस किसी की न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो उससे वैल्यू निकाल लीजिए। तो मुझे जो इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रही थी x प्लस 10y इक्वल टू 105, उससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू आ गई 105 माइनस के 10y। अब मैंने क्या किया, जो x की वैल्यू थी ना मेरी, उसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, क्योंकि 1 से निकाली है तो 1 में नहीं रखूंगी, बची हुई इक्वेशन में रखूंगी, और बची हुई मेरी क्या है इक्वेशन नंबर 2। तो अब इस वैल्यू को उठा के मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, यानी x की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, तो ये क्या हो गई 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देखिए, यही तो इक्वेशन थी मेरी, बस x की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। अब मैं क्या कहूंगी, 105 माइनस 10y प्लस 15y क्या हो गया प्लस के 5y इज इक्वल टू 155। 105 इधर गया, प्लस का है तो उधर जाके हो गया माइनस का 105। अब 5y, अब 155 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचा 50, तो y के संग 5 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा 50/5। अब 5 10 जा 5 1 जा 1 और 0 का 0, तो हम कह सकते हैं 5 10 जा 50। इस तरीके से मेरी वाई की वैल्यू हो गई 10। अब क्या करें, ये जो हमने ये निकाली थी ना एक्स की वैल्यू, उसमें बस वाई की वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10 × 10, या कहूं 105 माइनस के 100, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 5। तो ये था मेरा थर्ड का फोर्थ पार्ट। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट और क्या कह रहा है।